हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसकेएम यूट्यूब ट्यूटोरियल। माय नेम इज सुधीर कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द लेटर सेक्शन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एवरी स्टूडेंट व्हिच इज रीडिंग इन क्लास स्टैंडर्ड 9 एंड 10। दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं एक लेटर सेक्शन आज लेके आए हैं, एक लेटर लेके आए हैं जो क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, देर न करते हुए इस टॉपिक को मैं आगे की ओर ले जाते हैं। जैसा कि इस टॉपिक में आप क्वेश्चन लिखे हैं, राइट एंड एप्लीकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, राइट एंड एप्लीकेशन, राइट मतलब होता है लिखना, एक आवेदन पत्र लिखें, एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन पत्र, एक आवेदन पत्र लिखें टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिखें टू लीव फॉर टू डे। दो दिनों के छुट्टी के संबंध में आपको अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आपको आवेदन पत्र लिखना। दोस्तों, टॉपिक स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बताते हैं कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखने के लिए आप टू लिखना ना भूलें, और ये टॉपिक जो है आप अच्छी तरह से टॉपिक को अपने माइंड्स में रिमेम्बर कर लीजिए, ताकि जब भी कभी आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है तो उसमें आप चूकिए मत और एक अच्छा खासा एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आपको फुल नंबर मिले। जैसा कि हम देखते हैं, टू द प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सेवा में प्रधाना अध्यापक। टू द प्रिंसिपल, इस यहाँ अपना स्कूल का नाम लिखना है। जैसा कि हम बिलोंग्स करते हैं हाई स्कूल SS+2 हाई स्कूल गोला से, हमने अपने स्कूल के नेम को यहाँ एंट्री कर रखे हैं, SS+2 हाई स्कूल गोला, जो कि आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में आता है। फिर आप सब्जेक्ट लिखना ना भूलें। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट भी लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है मेरा, फॉर टू डे लीव्स। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, हमने दो दिन के छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं। लीव मतलब होता है छुट्टी, टू डे मतलब होता है दो दिन, दो दिनों की छुट्टी के लिए हमने इसको लिख रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं, सर रिस्पेक्टफुली, महाशय आदरणीय पूर्वक। रिस्पेक्टफुली मतलब होता है आदरणीय पूर्वक, आदरण पूर्वक। आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ। से मतलब होता है कहना, बेग टू मतलब होता है चाहता। मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल्स, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आई एम, मैं हूँ। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ ए स्टूडेंट, एक छात्र हूँ ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के, आपके स्कूल का एक मैं छात्र हूँ, जो कि रीडिंग इन क्लास स्टैंडर्ड 10, जो कि मैं क्लास स्टैंडर्ड 10 में पढ़ रहा हूँ। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, आई हैव जब भी हैव का प्रयोग होता है, इसका मतलब पास का ही प्रयोग होता है। आई हैव, मेरे पास एक है, एन अर्जेंट वर्क, मेरे पास एक बहुत ही जरूरी काम है। एट माई होम, मेरे घर में मेरे पास एक बहुत ही अत्यंत जरूरी कार्य है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फ्रॉम 4 अगस्त टू 5 अगस्त 2020। सो मतलब इसलिए, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल वापस, सॉरी स्कूल नहीं आ सकता। कब से, फ्रॉम 4 अगस्त टू 5 अगस्त 2020। इसलिए मैं 4 अगस्त और 5 अगस्त दो दिन मैं स्कूल आ नहीं सकता। सो मतलब इसलिए, आई हमली रिक्वेस्ट टू यू, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इसलिए मैं आपसे हमली रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ टू यू, आपसे, प्लीज कृपया गिव मी लीव फॉर टू डे ओनली, कृपया करके आप मुझे दो दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। लीव्स मतलब होता है छुट्टी, आप मुझे दो दिनों की छुट्टी दें। फिर अगर आप एप्लीकेशन कभी भी लिख रहे हैं तो आप उसमें थैंक्स कहना ना भूलें या थैंक यू कहना ना भूलें।
फिर आप अंत में थैंक यू लिख दीजिएगा, राइट साइड जाके आप लिख लीजिएगा योर ऑबिडेंटली पुपिल। ऑबिडेंटली मतलब होता है आज्ञाकारी, पुपिल मतलब होता है छात्र या छात्रा। फिर अपना नेम और क्लास जो भी है समथिंग आप अपने अनुसार से नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए होंगे, और अगर किसी भी वर्ड मीनिंग में या फिर कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं समर्थ हो सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।